तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 10 का मोबाइल है और वो लॉक हो चुका है और आप उसका लॉक रिमूव करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप और आप उसको फॉलो करके आप अपने जो मोबाइल का लॉक लगा है आपके मोबाइल में उसका रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर नॉलेज को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप अपने मोबाइल का लॉक रिमूव कीजिएगा तो जो आपका डेटा है वो इरेज हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। आपके जितना ही मोबाइल का डेटा रहेगा सारा रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप अपने मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी पैटर्न लॉक दे रहे हैं तो हमारा जो मोबाइल है ओपन नहीं हो पा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बहुत बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन जो हमारा पैटर्न लॉक है हम भूल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पावर ऑफ बटन है उसको हमें प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्रेस कर चुके हैं और उसके बाद हम अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर ऑफ हो रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, हमारा जो मोबाइल है पावर ऑफ हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बटन है एंड पावर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम प्रेस किए और इसके बाद हमें जो वॉल्यूम ऑफ बटन है उसको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, मेन मेन्यू आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें वाइप डेटा पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें वॉल्यूम डाउन बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद पावर बटन उसको क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है पावर बटन, प्रेस कर देना हमको यहाँ पर वाइप डेटा के लिए पावर बटन प्रेस। और इसके बाद हमें कंफर्म के लिए वॉल्यूम डाउन बटन क्लिक करके फिर पावर बटन को क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर हमारा कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो डेटा वाइप है सक्सेसफुल हो गया। और देखिए इसके बाद हमें पावर बटन प्रेस करना है फिर से, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमें फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमारा जो पावर बटन है उसको एक बार और प्रेस करना है, प्रेस कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आएगा तो फिर हमें पावर बटन प्रेस कर देना है। और इसके बाद हमारा जो मोबाइल है यहाँ पर देख सकते हैं Redmi आ रहा है, यानी हमारा Redmi Note 10 मोबाइल है। तो यहाँ पर Redmi का लोगो आ रहा है जो हमारा मोबाइल में कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा और वेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर MIUI यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम अब वेट कर लेते हैं। लगभग 2 मिनट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट बैक। और इसके बाद हमारे यहाँ पर MIUI में कुछ कलर आया था और उसके बाद यहाँ पर जस्ट ए सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद MIUI 12 आ रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है राइट साइड की ओर जो एरो है। और इसके बाद यहाँ पर हमें देख सकते हैं चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, हमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट की ओर क्लिक कर देना है राइट एरो पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हमें क्लिक करना है अपना जो चूज योर रिलीजन है, यानी अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वेट कर रहा है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमें स्किप करना है, तो हम स्किप कर देते हैं अपने नेटवर्क को। और इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, लिख रहा है गेटिंग योर फोन रेडी, यानी हमारा जो फ़ोन है यहाँ पर रेडी हो रहा है, जो कि हमारा जो लॉक रिमूव कर रहा है और उसके बाद हमारा जो भी डेटा है उसको सबको इरेज कर देगा। उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, यानी कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कॉपी एप्स एंड डेटा का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे हम, यहाँ पर क्लिक कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर ब्रिंग योर डेटा फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर। और इसके बाद यहाँ पर लिख रहा है जस्ट ए सेकंड। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ योर पैटर्न, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं क्या करना है हमें,
यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेकिंग इन्फो आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पर देना होगा, यानी वेरिफिकेशन योर अकाउंट, यानी आपका जो अकाउंट है उसे गूगल द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब हम अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड दे देते हैं, यहाँ पर हम ब्लर किए हुए हैं, जो कि हम अपना सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपना पासवर्ड को ब्लर कर दिया, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे ही हम अपने पासवर्ड दे देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमने नेक्स्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर नीचे में यस आई एम इन पर हम क्लिक कर देंगे, जो कि ब्लू कलर का, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद गेटिंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, गेटिंग योर अकाउंट इन्फो, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से लोडिंग हो रहा है, और जैसे ही लोडिंग कम्प्लीट हो जाएगा तो जो हमारा लॉक है रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखते रहिए। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है रीस्टोर डेटा फॉर्म एन ओल्ड फोन, और उसके बाद आपको ऊपर क्लिक कर देना, ऊपर और ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट की ओर क्लिक कर रहा है, जैसे ही आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट कर देना है, और एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर जस्ट अ सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखते रहिए। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एनी थिंग्स इलीज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नो थिंग्स कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गेटिंग योर फोन रेडी हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर जब हमारा फोन रेडी हो रहा है तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल अकाउंट के यहाँ पर साइन इन आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर हम स्किप कर देंगे, और उसके बाद साइन इन नहीं करेंगे हम, फिर से स्किप ही कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्किप फिर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर राइट साइड की ओर क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद एग्री कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर से हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे, नीचे में जो एरो है फिर सेटअप कंप्लीट हो गया हमारा, फिर राइट साइड एरो पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर वेट कर लेंगे। जैसे कि आप वेट कर लीजिए, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आपको अपना लॉक रिमूव करने के लिए। अब हमारा जो लॉक है रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है उसका लॉक रिमूव हो चुका है, लेकिन हमारा जो डेटा है इरेज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो साइड में वीडियो आ रहा है यहाँ पर जो देख सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिकवर कर सकते हैं, और नीचे में जो लोगो आ रहा है इस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।